शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आ गए, आपका वेट करते करते आंख लग गई। अब बैठो, मैं खाना लगाती। अरे नहीं, बैठो तुम, मुझे भूख नहीं है। क्यों, बाहर से खाकर आए हो? अरे नहीं यार, एक्चुअली ना मुझे बहुत सारा काम है, तो शायद आज शाम को मैं बाहर जाऊं और शायद कल लौटूं। खाना खाया तुमने? नहीं, बस अभी खा रही। जाओ और खाना खाओ। शक तो मुझे पहले से ही था, सुमित के मरने के पहले से चल रहा था ना ये सब। माँ जी मेरी बात सुनिए। चुप, एकदम चुप। क्या कहा था तूने सुमित? तू मेरे बेटे जैसा है। अरे सात जन्म लेगा भी ना तो तू मेरे बेटे जैसा नहीं बन सकता, समझा? और तू, तुझे तो मेरी बेटी समझा था ना, और ये सिला दिया तूने। सुमित के चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तू अय्याशी पे उतर आई। तेरी जिंदगी है, तू जो चाहे कर सकती है। तुझे चाहिए तो तू दूसरी शादी कर, लेकिन मैं ये सब इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो निकलो, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकलो, चलो निकलो। माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी बताइए। तो ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। माँ जी प्लीज, आपने ना वो घर से बाहर मत निकाली, मैं इस घर से बाहर चला जाता और आज के बाद कभी इस घर में नहीं आऊंगा। माजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो मेरी एक बात सुन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सुमित की जगह अगर कोई ले तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और वो चाहे इस घर में हो या तेरी जिंदगी में। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो सुमित की विधवा बन के रहना होगा, समझी? जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही वैसा करूंगी। तेरे लिए यही अच्छा होगा, ठीक है? अरे तू कहाँ जा रही है? माँ जी वो घर के कुछ सामान लाने थे, मार्केट जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ जल्दी आ जाना, जा। जी Happy? बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर माँ जी को हम दोनों के बारे में जरा सी भी भनक हुई ना मुझे तो घर से ही बाहर निकाल देंगी वो। देखो नैना, शादी करना ना तुम्हारी जिद थी, अब हमने शादी भी कर ली है, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें कैसे बचना है ये तुम डिसाइड करोगी।
हमें हल्की से भी भनकने लगनी चाहिए, वरना हमने जो सब कुछ किया है ना उस पर पानी फिर जाएगा। बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा तुम्हें, और अगर फिर भी कोई रास्ता ना बचे ना तो ये पिल्स है जो हम सुमित को देते थे उनको भी दे देना। उनका काम खत्म और फिर हम हैप्पी। पक्का? पक्का। सुबह से शाम हो गई अभी अब तक नहीं आई, कहीं सागर से मिलने तो नहीं गई? आने दो उसे, बताती हूँ मैं आज। लो आ गई तू, ऐसी कौन सी शॉपिंग कर रही थी जो तुझे इतना टाइम लग गया? अब असल में माँ जी मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी और फिर ऑटो भी नहीं मिल रहा था इसीलिए देर हो गई। हे भगवान, ये सिंदूर तूने कहीं सागर से शादी तो नहीं कर ली ना? नहीं माँ जी आप गलत समझ रही हैं। वो असल में मैं मंदिर भी गई थी ना तो वहाँ पंडित जी ने टीका लगाया तो शायद फैल गया होगा। देख लेना अब मुझे तुझ पे कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैंने वकील साहब से बात कर ली है कि मैं अपनी वसीयत नहीं बनवाऊंगी। लेकिन माँ जी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। अगर नहीं की है ना तो अच्छी बात है, वैसे तेरे साथ कोई मैं नाइंसाफी नहीं करूंगी। मैं अपनी वसीयत में लिखवाऊंगी जरूर कि मेरे बाद ये सारी जायदाद तुझे मिलनी चाहिए और तेरे बाद ट्रस्ट को चली जाएगी, क्योंकि इसमें से तू कुछ बेच नहीं पाएगी, एक कील भी नहीं। क्यों, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटक गया? अगर तेरे मन में कोई खोट नहीं होता तो तुझे खुश होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, अब जा मेरे लिए चाय बना के ला और जरा पानी देना मुझे। जी प्लीज जा चाय ले के। मुन्ना हो इस नैना ने सागर से शादी कर ली है, मुझे अभी के अभी रीता को फोन करना चाहिए। हेलो। हाँ आंटी जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को फोन किया। हाँ रीता, यहाँ तो सब ठीक है, तू अपनी बता, वहाँ सब ठीक है ना? सागर कहाँ है? यही है, सो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तू घर आ सकती है? अभी अभी नहीं, सुबह आ जाना। ठीक है आ जाऊंगी, पर बात क्या है? देख रीता, मुझे ऐसा लगता है ना कि नैना और सागर ने मिलकर शादी कर ली है। What? आंटी आपका दिमाग तो ठिकाने है ना, क्या बकवास कर रही हो आप? अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ हुआ है। एक काम कर, तू कल सुबह आ, फिर मैं तुझे सारी बात बताती हूँ, ठीक है? और हाँ, सागर को ये बात मत बताना, तुझे मेरी कसम है। ठीक है।
वो आंटी ने बुलाया था मिलने के लिए तो मैं। रीता देखो, तुमको आंटी ने मिलने बुलाया तो खुद दुनिया से चल बसी। देखो ना क्या हो गया, मम्मी उठी नहीं रही है। मम्मी जी आके खोलिए, देखो ना क्या हो गया इनको। मम्मी जी आके खोलिए ना प्लीज, मम्मी जी आके खोलिए। हेलो पुलिस, फॉरेंसिक को भेजवा और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप में से पुलिस को किसने कॉल किया था? मैंने किया था। आप भाई सरिता और ये आभा जी है, इनका बेटा सुमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो आप लोग कल रात को यहीं थे? नहीं सर, हम हमारे घर पे ही थे। एक्चुअली आंटी ने कॉल किया था रात को और मिलने के लिए बुलाया था, पर यहाँ मिलने आई उससे पहले आंटी मर चुकी थी। तो रात को यहाँ इनके साथ कौन था? सब इनकी बहू नैना। एग्जैक्टली आप कहाँ थी रात को जब ये हुआ? सर कल रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, सुबह जब बाहर आई तो माँ जी को इस हालत में देखा। सर मैंने पिछले महीने अपने पति सुमित को भी हार्ट अटैक से गवा दिया और बाजी। मतलब आपके पति की मौत भी ऐसे ही स्ट्रोक से हुई थी? जी सर। सर मेरे ससुर जी की भी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी, उन्हें भी स्ट्रोक आया था। सर मुझे नहीं पता शायद कि पूरे खानदान में इनकी बीमारी थी, लेकिन सर अब मेरा कोई नहीं है यहाँ, मैं क्या करूंगी? आपसे एक मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? आभा जी ने आपको क्यों बुलाया था, कुछ बताया? देखिए अगर आप हमें इन्फॉर्म नहीं करती तो जैसे इनकी बेटी का अंतिम संस्कार हो गया, इनका भी हो गया, और यही बात मुझे खटक रही है। सो प्लीज अगर कुछ छुपा रही हैं तो छुपाइए मत, बताइए। सर एक्चुअली कल रात को आंटी का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि मेरे पति सागर और उनकी बहू नैना उन लोगों ने शादी कर ली है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि आंटी को उनके बेटे की मौत का सदमा लगा है। ये बात आपने अपने पति को बताई? नहीं। जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप ये बात किसी को मत बताइएगा, और आप भी थोड़ी सी होशियार रहिए। जी जूस पी लो। अभी थोड़ी देर में शौक सभा स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों का आना जाना होगा, फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए। थैंक यू फॉर द जूस। ये रीता कहाँ है, अभी तक उठी नहीं? देर तक सोने की आदत है। सागर पुलिस वालों को ना वो पिल्स की बोतल मिल गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, ठीक है? अगर उनको पिल्स मिल गई है तो उसमें क्या है, कह देंगे हम लोग कि हम नहीं जानते इस पिल्स के बारे में, हमें नहीं पता। तुम ना जूस पी लो। अच्छा एक बात बताओ, माँ जी तो अब चल बसी है, तुम रीता को कब छोड़े? बस दो तीन दिन के अंदर तलाक दे दूंगा उसे, एक बार ये थोड़ा मामला है ना शांत हो जाए। अच्छा और वो नहीं मानी तो क्या करोगे? उसका भी काम खलास।
हाँ, एक हार्ट अटैक से। सही कह रहे हो, और हम ये सब कुछ बेच बाज कर ना लंदन चले जाएंगे हमेशा के लिए। मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी। तुम्हें पता है मेरा बिना यही सपना था। देखो हम दोनों ना बहुत ऐश करेंगे। वाह क्या बात है, कमीनेपन की मिसाल हो तुम दोनों। तुम कब जागी? तभी जब तुम दोनों अपनी कामयाबी पर इतरा रहे थे। कैसे कमीने लोग हो तुम दोनों, दो दो लोगों का खून कर दिया तुम लोगों ने। मैं तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा जहां पर सुमित्रा आंटी को पहुंचाया। अरेस्ट करो इन दोनों को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है। पोल खुल चुकी है तुम दोनों की। बहुत ही होशियारी से तुम लोगों ने मर्डर किया सुमित और आभा जी का। हाँ सबूत क्या आपके पास? पहला सबूत उस दवा की रिपोर्ट आ गई है, और दूसरा सबूत हमारे पास उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जहां से तूने वो दवा खरीदी। तीसरा सबूत ये वीडियो जिसमें तुम दोनों अपनी कामयाबी का जश्न मनाते नजर आ रहे। माँ जी तो अब चल बसी है, तुम रीता को कब छोड़े? इन्हें वीडियो तो कुछ देर पहले का। मैंने ही भेजा। अच्छा एक बात बताओ, माँ जी तो चल बसी हैं, ये रीता को कब छोड़ रहे हो तुम? बस दो तीन दिन में, एक बार जो ये सब कुछ हुआ है ये शांत हो जाए, उसे तलाक दे दी माँ। और वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो कोई बात नहीं, एक गोली उसे भी दे देंगे, सीधा हार्ट अटैक जैसे हमने सुमित को और आंटी को दिया। अब जेल में जश्न मनाना तुम दोनों अपनी कामयाबी का, और तुम इस झूठे और मक्कार के कहने पर तुमने अपने पति को मार दिया। तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करता है? अरे इसकी नजर तुम्हारी दौलत पर थी, और इसने सुमित को भी पैसों के चक्कर में मरवाया। 20 लाख रुपए उधार लिए थे इसने सुमित से, वो पैसे वापस ना देने पड़े इसीलिए इसने सुमित को मरवा दिया। तुम कैसी बेवकूफ औरत हो, सड़ना जिंदगी भर जेल में। ले चलो दोनों को।